गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मैं मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी ऐसे पहले ब्लॉग नहीं किया। शुरू से यही बता देता हूँ कि आज मतलब पहली बार कोई ब्लॉग वगैरह कर रहा हूँ। मतलब दिल था कि ब्लॉग करूँ, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग ही कर लेते हैं। मैंने कभी ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम ये ब्लॉग का मुझे नहीं पता इसमें क्या एडिट करना है, क्या करना है, ये करना है या वो करना है। तो मैंने यह सोचा था कि मैं आज टैटू बनवाने जा रहा हूँ कि टैटू के ऊपर थोड़ा सा ब्लॉग बना दें। ये मतलब लाइफ का पहली बार है कि मैं कुछ बनवाने जा रहा हूँ। मतलब 2-3 साल से ऐसे ही मतलब टैटू का सोच रहा था कि ये बनवाना है, वो बनवाना है, लाइक कुछ ऐसा मतलब भी जैसे कुछ आगे जाके मतलब वो थोड़ा सा और ट्रेंडिंग में होगा ना कि मुझे चेंज ना करवाना पड़े। तो मैंने सोचा था कि ये मतलब यहाँ पे बनवाऊँगा ब्रेसलेट। और पहले तो मतलब सिंपल सोचा था कि सिंपल ही ब्रेसलेट बना लूँगा, लेकिन अभी मतलब जो मेरा दिल कह रहा है कि उसके बीच में मतलब मॉम डैड का मतलब कुछ बनवा दें, जैसे यहाँ पे की लिखवाते हैं मॉम डैड ये। तो मैंने सोचा कि उसके बीच में ऐसे मतलब मॉम डैड लिखवा दूँगा और थोड़ी सी पिक्चर ऐसे साइड में बना दूँगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अकेला जा रहा हूँ। तो मेरे साथ देविंदर सर जाने वाले थे, उन्होंने बोला कि तू अभी चल कि मैं थोड़े से बाद में आता हूँ कि मुझे थोड़ा सा काम है, तो तू चल तो स्टार्ट कर कि मैं भी बाद में जो होगा वो देखेंगे, अभी तू जा तो मैं बाद में आता हूँ। तो अभी तो मैं अकेला जा रहा हूँ, देखते हैं जाके मतलब कैसे क्या मतलब होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ऐसे मतलब आज ही बनवाऊँगा। मैंने तो अभी सर को बोला था कि अभी मतलब हम कल गए थे, सर का कोई दोस्त ही है तो शहर में, तो उन्होंने उनसे बनवाया। तो मैंने सर को बोला कि मुझे भी बनवाना है टैटू, तो कल गए थे हम। तो उन्होंने आज मतलब फिर बोला कि आज 10 बजे आ जाना, तो हम आज 10 बजे अभी तो टाइम हुआ है 9:30, तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ घर से। तो फिर देखते हैं आज मतलब क्या कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैंने मतलब कभी ऐसे नहीं देखा। कई बोलते हैं कि नीडल से ऐसे मतलब दर्द होती है, ये होता है, वो होता है, तो देखते हैं क्या होता है फिर आज। फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे सलून पे। तो ये देख सकते हो ये पीछे सलून है, तो ये तो मतलब यहाँ ढाबा है साथ में, मतलब ये थोड़ा सा बैक साइड जाके सलून है। तो अभी मैंने बात कर ली है, मतलब अब गया था पहले अंदर, तो अभी वो मतलब कर लिया सेलेक्ट, ये बनवाना है। तो अभी बनवाएंगे क्या देखते हैं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज करवा लिया मैंने कि ऐसा ऐसा बनवाना है, नीचे से ये करना है, ऊपर से भी ये करना है, तो देखते हैं।
ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੀ
ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੈਣੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਭੈਣ ਡਾਤੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫੇਰ ਤੂੰ ਹੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਆਹ ਮੈਂ ਹੈ ਨੀ ਗਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੀਤੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਛੋਟੀ ਭੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤ ਕਰੋ, ਰਹਿਣ ਲੋ, ਰਹਿਣ ਲੋ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ, ਥਾਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਹ ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਦੇਖ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਗੱਬੇ ਬਣਾਈ ਆ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇ ਤਾਂ ਟੈਟੂ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਨਾਨੀ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੇ ਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਪੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੋ ਦੇਖਾ ਹੋਗਾ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਯੇ ਬਣ ਗਿਆ ਟੈਟੂ। ਮੈਂ ਤੋ ਅਗਲਾ ਬੈਂਡੇ ਬਣਵਾਨੇ ਗਿਆ ਥਾ, ਯੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਕੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਵਾ ਲਈਏ ਦੋਨੋਂ। ਤੋ ਬਸ ਯਹੀਂ ਪੇ ਬਸ ਅਭੀ ਬਲੌਗ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ, ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਤੋ ਮੁਝੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਮੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਮੁਝੇ ਕੌਨ ਸੀ ਆਤੀ ਥੀ। ਤੋ ਸਰ ਤੋ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਰ ਤੋ ਅਭੀ ਆਏ ਥੇ, ਸਰ ਕੋ ਕਾਮ ਥਾ, ਸੋ ਸਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਥ ਮੇ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਬਲੌਗ ਜਲਦੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ। ਪੀਸ ਐਂਡ ਲਵ।